हे वेलकम गाइज, हाउ आर यू? आई एम सलाम। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मेल आईडी डिलीट करना है। ओके, सो मेल आईडी कैसे डिलीट करना है? अगर आपका मेल आईडी अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो आप कैसे उस मेल आईडी को डिलीट करना है। ओके, सो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेल आईडी कैसे डिलीट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद एक गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने के बाद यहाँ पे लिखना होगा जीमेल सिंग इन। ओके, सो सिंग इन लिखने के बाद आपको पहले उस जीमेल को सिंग इन करना है। सो चलिए मैं जीमेल सिंग इन पर लिख के मैं पहले जीमेल को सिंग इन कर लेता हूँ। ओके, सो चलिए इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ। सो टैप कर लेने के बाद ये जो देख रही है हमारा ऑलरेडी सिंग इन है, तो इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा? तो नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। स्क्रॉल करके आने के बाद सो दिखा देता हूँ आपको। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये जो देख रही है नीचे वाला फुल्ली नीचे जो देख रही है डिलीट योर अकाउंट सर्विस, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अगर डिलीट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस मेल आईडी पे जो डिलीट आपको प्रोडक्ट थी वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो मेल आईडी को तो डिलीट गूगल अकाउंट एंड डाटा, इस पर टैप करना होगा आपको पहले। ओके, सो इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको फिर से पासवर्ड मांगा जाएगी, तो आप पासवर्ड दे देना है यहाँ पे। ओके, तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ इस मेल आईडी का। पासवर्ड देने के बाद मैं सिंग इन पर टैप करूँगा। ओके, तो सिंग इन पर टैप करने के बाद और भी एक पेज ओपन होगा। ये प्लीज़ रीड दिस केयरफुल, इट्स नॉट दी यूसेल यादा। यहाँ पे आपको बताया गया था इसको टेस्ट को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। आपको जो भी कुछ है यूट्यूब चैनल यानी मेल कॉन्टेक्ट और भी सारे जो है वो सब डिलीट हो जाए तो वो डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं तो डिलीट करूँगा। तो जो देख रही है दो ऑप्शन, इस दो ऑप्शन पे टिक करके हमको डिलीट अकाउंट पर टैप करना होगा। ओके, सो मैं यहाँ से दो ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। ओके, सो टिक करने के बाद मैं डिलीट अकाउंट पर टैप कर देता हूँ। ओके, सो टैप करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ये जो देख रही है हमारा मेल डिलीट हो गया। अब इस मेल 7 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर ही अगर इसको लॉगिन कर लेते हो तो डिलीट नहीं होगा। और भी कभी कभी इस मेल आईडी कभी कभी 1 दिन के अंदर भी डिलीट हो जाती है। कोई आपको देख लेना है डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो डिलीट हुआ, अगर डिलीट हो जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो देख रही है क्रॉस चिन्हों जो देख रही है लोगों पर क्रॉस चिन्हों आ गया, तो आपको समझ लेना चाहिए आपका मेल आईडी डिलीट हो गया है। ओके, सो अगर इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को दबाना जरूरी है। ओके गाइस, सो बाय बाय।